नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने नए साल में हरियाणा में होने वाले बदलाव की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नए साल में भाजपा जजपा सरकार जाएगी और कांग्रेस सरकार आएगी। रिकॉर्ड तोड़ सर्दी में लाडवा में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली में भीड़ ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। भीड़ देखकर गदगद हुए राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अग्नि परीक्षा की तरह यह सर्दी परीक्षा व्यर्थ नहीं जाएगी और हरियाणा में परिवर्तन लेकर आएगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में आज सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। 2019 के चुनाव में ही लोग भाजपा को हटाना चाहते थे। लोग इस सरकार से दुखी थे, इसलिए 14 में से 12 मंत्रियों को जनता ने हराकर घर भेज दिया। लेकिन जजपा ने अपने मतदाताओं से विश्वासघात कर भाजपा की सरकार बनवा दी। 5 साल में ना तो 5100 बुढ़ापा पेंशन मिली, ना फैक्ट्रियों में 75% रिजर्वेशन मिला। भ्रष्टाचार की नींव पर बनी भाजपा जजपा सरकार का समझौता 5100 पेंशन देने का नहीं, बल्कि अपने भ्रष्टाचार की फाइलें बंद कराने, महकमे बांट कर घोटाले करने का समझौता था। उन्होंने जजपा को चुनौती दी कि पिछली बार तो भाजपा को जमुना पार भेजने के नाम पर 10 सीट आ गई थी, लेकिन इस बार 1 सीट पर भी जमानत नहीं बचेगी। जनता अपने साथ हुए विश्वासघात का बदला वोट की चोट से लेगी। और क्या कुछ बोले राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, आप खुद ही सुन लीजिए। लाडवा से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। हमने सुना था कि अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, लेकिन एक अग्नि परीक्षा होती है और एक सर्दी परीक्षा होती है। ये सर्दी परीक्षा जो है, मैं समझता हूं कि आपने, मेवा सिंह जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने और आप सब जो यहां पर शामिल हुए हैं, ये जो सर्दी परीक्षा आपने दी है, ये आपकी सर्दी परीक्षा व्यर्थ नहीं जाएगी, हरियाणा में परिवर्तन लेके आएगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ये जो सर्दी परीक्षा आपने दी है, आपने तो यहां पर सर्दी परीक्षा दी है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो सत्ताधारी लोग हैं उनकी नजर आप पे जब पड़ेगी, आज सीआईडी की रिपोर्ट जाएगी कि इतनी ठंड में और इतनी बड़ी संख्या में और इतनी देर तक, क्योंकि हेलीकॉप्टर इस मौसम में पहले तो टेक ऑफ नहीं हो रहा था, अब टेक ऑफ हुआ हुड्डा साहब का, तो इतनी देर, इतनी लंबी है जो आज की हमारी सभा चली है। मैं समझता हूं इनका, इनको टेम्परेचर, इनका जो है, इनको रात तक ताप इनके चढ़ लेगा। आपने तो ठंड यहाँ पे भाई सर्दी परीक्षा दी है, इनके जो है इनका पारा ऊपर चढ़ लेगा इनके साथ तक जो है। मैं इस बात के लिए आपको बधाई देता हूं, क्योंकि इतनी देर तक बैठना, कहीं ना कहीं ये भावना है, मेवा सिंह जी आपकी मेहनत है और आप सबके मन में ये है कि ये जो हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार, जेजेपी की है, खट्टर दुष्यंत सरकार, आपके मन में ये भावना है कि ये जानी चाहिए और हरियाणा में हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आनी चाहिए, तभी आप लोग इतनी देर से यहां पर बैठे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेवा सिंह जी को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं और मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं कि एक आपकी जो कार्य प्रणाली और कार्यशैली मेवा सिंह जी मैंने देखी है, हरियाणा की विधानसभा में आज आप 90 विधायकों में अगर एक शराफत के और नरमाई के प्रतीक विधायक के रूप में अगर आपने अपनी पहचान बनाई है, हमारे, मैं समझता हूं कि पूरे 90 विधायकों में तो उन विधायक का नाम चौधरी मेवा सिंह जी है। मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं, ये आपकी कमाई है कि आज हरियाणा में कहते हैं कि 90 विधायकों में सबसे शरीफ और भाई सबसे नरम और उसमें सबसे ईमानदार भी मैं जोड़, तो भाई ये आपकी कमाई है मेवा सिंह जी, ये एक दिन की कमाई नहीं है, ये अपने जीवन के एक तपस्या की और आपके स्वभाव की कमाई है। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। सभी पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी मातृशक्ति में एक एक मनचासी नेताओं का नाम नहीं ले रहा क्योंकि ठंड की स्थिति है, हम कोशिश कर रहे हैं। आज हम ऐसे समय में यहां पर लाडवा मंडी में सभा कर रहे हैं कि जब कैलेंडर का आखिरी दिन है, कल नया साल शुरू होगा 24, तो सबसे पहले तो नए साल की बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर नए साल का भाई, हैप्पी न्यू ईयर सबने भाई, बहुत बहुत नया साल, और ये नया साल अच्छा हो और हरियाणा में बदलाव लेके आए, ये भी मैं शुभकामनाएं आपको देता हूं। जब नया 24 में 24 ने दस्तखत दी है
तो यानी कि चुनाव की दस्तखत भी आपको सुनाई दे रही होगी। दो महीने के बाद लोकसभा का चुनाव है और उसके बाद चार महीने के बाद विधानसभा का चुनाव अगर पहले नहीं कराया उन्होंने, तो जब चुनाव के समय चुनाव का समय आ जाए तो तराजू पे तोल के फैसला करने का समय आता है कि कौन सा आप बटन दबाओगे कि अगले पांच साल खुशहाल हो, हमारा इलाका आगे जाए, बच्चों का अच्छा भविष्य हो। आपने 10 साल की सरकार को देखा है, बड़े बहुमत से 2014 में हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी, खट्टर सरकार। अच्छे दिनों का वायदा था कि अच्छे दिन लाएंगे, हरियाणा को आगे लेके जाएंगे, लेकिन 10 साल के बाद यह सरकार हरियाणा को आगे लेके जाने वाली साबित नहीं हुई, हरियाणा को विकास में पीछे धकेलने वाली साबित हुई। जो हरियाणा 2014 से पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार में, हुड्डा साहब के नेतृत्व वाली सरकार में, जो हरियाणा देश में विकास में नंबर एक माना जाता था, प्रति व्यक्ति आय में हम नंबर एक थे, विकास दर में नंबर एक थे, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर एक थे, खिलाड़ियों के सम्मान में हरियाणा देश में सबसे आगे था, किसान की कल्याणकारी योजनाओं में हरियाणा का जिक्र पूरे देश में होता था, चाहे 1600 करोड़ के किसान के बिजली के बिलों की माफी की बात हो, चाहे कोऑपरेटिव के 2200 करोड़ के कर्जे की माफी की बात उस समय हो, चाहे कोऑपरेटिव बैंक के काले कानूनों को समाप्त करने की बात हो, जमीन की नीलामी और गिरफ्तारी किसान की, उस कानून को समाप्त करने की बात हो, चाहे देश में डंके की चोट पर सबसे ज्यादा देश में गन्ने के भाव, धान के भाव, पॉपुलर के भाव, 10 साल तक किसान को कोई आंदोलन नहीं करना पड़ा, ऐसी सरकार 10 साल कांग्रेस पार्टी की हुड्डा साहब के नेतृत्व में चली, किसी किसान को आंदोलन नहीं करना पड़ा। और चाहे उन 10 वर्ष में गरीब की कल्याणकारी योजनाओं की बात हो, देश में हरियाणा का जिक्र था, सबसे ज्यादा बुढ़ापा पेंशन हमारी थी, 100 गज का प्लॉट का फैसला, 4 लाख परिवारों को 100 गज के प्लॉट मिले, 20 लाख गरीब परिवार के बच्चों को स्कूल के अंदर पहली से 12वीं तक वजीफे की योजना शुरू उस समय हुई, चाहे पीने के पानी की टंकी टूटी की बात थी, चाहे राशन डिपो पे 5 किलो चाहे अनाज के साथ साथ, चाहे राशन डिपो पे तेल चीनी और दाल की व्यवस्था की उस समय बात थी। प्रदेश विकास की तरफ आगे जा रहा था, आपस में भाईचारे में 10 साल में कभी खरोच नहीं आई, मगर फिर अच्छे दिनों का नारा आया और बीजेपी को आपने मौका दिया। 10 साल के बाद आज वही प्रदेश जो विकास में नंबर एक हुआ करता था, खुशहाली भाईचारे में नंबर एक हुआ करता था, वही प्रदेश विकास में तो 17वें नंबर पर पहुंच गया, इस खट्टर सरकार में नंबर एक अगर पहुंच गया तो वही प्रदेश आज बेरोजगारी में नंबर एक पहुंच गया, महंगाई में नंबर एक पहुंच गया, भ्रष्टाचार में नंबर एक, नशे में नंबर एक देश में पहुंच गया। आज हर घर में एक पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार, बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई, ना तो कोई इंडस्ट्रियल एरिया लगाया, ना कोई इंडस्ट्री आई, कोई एक बड़ी इंडस्ट्री बता दें 10 साल में आई हो, एक कोई थर्मल का कारखाना बता दें इन्होंने 10 साल में लगाया हो, हमारे समय 5 लगे थे। ना निवेश हुआ, ना प्राइवेट में नौकरी, ना सरकारी क्षेत्र के अंदर नौकरी, सरकारी नौकरियां तो समाप्त कर दी गई, 2 लाख पद खत्म हो गए, या कच्चों में परिवर्तित कर दी गई, जो बता रहे थे अभी कौशल निगम के माध्यम से बिना आरक्षण के प्रावधान के बिना रिजर्वेशन के कच्चे नौकरी लगा दी कौशल निगम के माध्यम से, और उसके बाद जो बची कुची सरकारी नौकरी जो निकाली गई, उन नौकरियों में या तो भर्ती घोटालों की भेंट चढ़ गई नौकरी, 20 से ज्यादा भर्ती घोटाले अगर देश में किसी प्रदेश में हुए तो हरियाणा प्रदेश में एचपीएससी के दफ्तरों में करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई, अनिल नागर एक मुख्यमंत्री जी द्वारा लगाया गया सचिव वहां पर करोड़ों रुपए की बरामदगी उनके दफ्तरों में हुई, 9 नौकरियों की जो लिस्टें आई, फिर भी बचा कुचा जो नौकरियों की लिस्ट आई उन लिस्टों में हरियाणा से ज्यादा हरियाणा के बाहर के नौजवानों को नंबर मिला, बाकी किसी प्रदेश में हरियाणा के नौजवान को नंबर मिलता नहीं और हरियाणा की लिस्टों में हरियाणा से ज्यादा बाहर के नौजवानों का नंबर मिलता है। एसडीओ की लिस्ट आई, 80 में से 78 बाहर के, 2 हरियाणा के एसडीओ इलेक्ट्रिकल की 2021 में लिस्ट आई, 99 में से 77 बाहर के, केवल 22 हरियाणा के, इस साल असिस्टेंट प्रोफेसर टेक्निकल एजुकेशन की लिस्ट आई, 156 में से 103 बाहर के, केवल 53 हरियाणा के, अभी पंचायत डेवलपमेंट अफसर लगे, पंचायत डेवलपमेंट अफसर बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर जिसको बोलते हैं, गांव में काम करना, पंचायतों के साथ 7 लगे, 7 में से 5 बाहर के,
बाकी प्रदेशों के, हमारी पंचायत हरियाणा के क्या हमारे बड़ी नौकरी निकालते हैं तो हरियाणा के बाहर के बच्चे निकालते हैं, आखिरी साल में ग्रुप डी की निकाल देते हैं राजनीति के लिए। पिछली बार भी 5 साल तक नौकरी नहीं निकाली, 2019 के इलेक्शन से पहले ग्रुप डी की निकाल दी। इस बार भी 5 साल तक बाहर के बच्चे और आखिरी साल में ग्रुप डी की नौकरी निकाल देते हैं, मगर 13,000 ग्रुप डी की नौकरी निकाली तो 14 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा। हरियाणा के अंदर कितनी बेरोजगारी बन गई इसका आप अंदाजा लगा सकते हो। मैं खट्टर साहब से पूछना चाहता हूं, ये पर्ची खर्ची की आप बात करते हो, मैं खट्टर साहब ये बताओ बाहर से कौन सी पर्ची आती है, कौन से आरएसएस के कार्यालय से पर्ची आती है कि आप हरियाणा के नौकरियां बाहर के बच्चों को दिलवाने का आप 4 साल काम करते हो और आखिरी साल। आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा के अंदर। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।